गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 12 इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर 12 जो है हीरोंस फार्मूला, हीरोंस फार्मूला। स्टूडेंट, इसमें जो है हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? स्कूल अहेड, मतलब वो नहीं जैसे लिखा होता है कहीं कहीं बोर्ड पे लिखा होता है, तो वैसे वहाँ जो है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ कहीं, ठीक है, उस पर लिखा है स्कूल ए हेड। ठीक है, मतलब क्या है, सामने क्या है, स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल, देखिए मैं फिर बनाता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल। अहेड एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल एक बोर्ड है जिस पर राइट किया गया है स्कूल अहेड। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। विथ साइड ए, इसकी साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोंस फार्मूला इफ़ द पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पैरीमीटर गिवन है, कितना है, 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, और सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं इसको है, हमको क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। स्टूडेंट, फर्स्ट जो है हम लोग पैरामीटर गिवन है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी साइड, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल, तो इसकी ईस्ट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, पहले साइड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे पैरीमीटर इक्वल टू, स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान टू। स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, वैल्यू। तो पैरीमीटर कितना गिवन है, पैरामीटर जो है बुक में गिवन 180 इक्वल टू। स्टूडेंट वहाँ पे जो फिगर में आपको बताया था, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड है, यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों साइड क्या है, ए भी ए है, तीनों ए है, इसका मतलब ए इक्वल टू भी ए और बी इक्वल टू भी ए और सी इक्वल टू भी ए। अपान कितना होगा स्टूडेंट, टू होगा। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसका टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू 180 इक्वल टू कितना होगा, 3 है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हम कट करेंगे तो 3 6 जा कितना होगा, 18 और 2 6 जा 12 120, दैट मीन्स ए इक्वल टू आएगा 120 सेंटीमीटर। ए हमने क्या फाइंड किया स्टूडेंट, साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो सब कितना कितना है, 120 120 120। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा मैटर।
अब सेकेंड थिंग क्या फाइंड करना है हमको, एरिया फाइंड करनी है ना, क्या फाइंड करनी है एरिया। तो हम इसकी क्या फाइंड करेंगे एरिया, और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। हमारे पास दोनों प्रोसेस है, हम हेरोंस फार्मूला से भी और किससे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों से हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट जो है एरिया उस हेरोंस फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। स्टूडेंट जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू एस से। पैरामीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू एस से। इसका मतलब जो ये 180 पैरामीटर गिवन है, 180 पैरामीटर गिवन है, ये किसकी वैल्यू है, 180 किसकी वैल्यू, टू एस की वैल्यू है। टू एस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। टू एस इक्वल टू 180, टू से कट देंगे सर कितना, 2 9 18, एस इक्वल कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। स्टूडेंट हम जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब कि अब एस कितना आया है 90, और यहाँ से हम राइट कर देंगे 90 माइनस ए 120। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं लगती है कुछ मिस्टेक है हम लोगों में, एस आया कितना है, एस जो है 90 आया, 90 माइनस और 120 कहाँ से आया है, ए, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए में ही कुछ मिस्टेक लगता है क्या, 3 6 18 0 60, लेकिन सही तो है। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर है 900√3, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आ रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। क्लियर, अब फार्मूला हमारा ये होता है एस एस माइनस एस माइनस बी। और लोग कहीं फिर मिस्टेक कर रहे हैं, क्लियर, इस प्रोसेस से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा फिर मेरे यहाँ जो है व्हाट्सएप करिएगा आप लोग। और इसका जो सेकंड प्रोसेस है एरिया आप, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे कितना होगा, √3/4 इंटू साइड। तो एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू 120। हमको लगता है यही कहीं प्रॉब्लम हम लोगों को है ए में ही, जो साइड है। ओके, हम मिस्टेक पता चला हम लोगों को, क्लियर, मिस्टेक ही स्टूडेंट है, ये जो 180 है ये 2s की वैल्यू है, 180 जो है किसकी वैल्यू है, अरे 2s, और 3 है। क्लियर, तो 3a = 1 ये हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे जो हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है, a + a + a = कितना होता है 2s, मतलब 2s का मतलब 180, और यहाँ से 3a = 180, तो a = कितना आ जाएगा, a = आ जाएगा 60 डिग्री। ए कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट 60। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या, 60 का स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पर आएगा कितना है, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू जो है, क्वेश्चन नंबर टू, द ट्रायंगुलर साइड वाला ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ द वॉल आर 120। मतलब एक ट्रायंगुलर पार्ट है, मैं इसका फिगर यहाँ बना देता हूँ। क्लियर, ये कौन सा पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है। इसकी साइड क्या क्या गिवन है, द साइड ऑफ द वॉल आर 122। इसको हम सपोज कर लेते हैं 122 मीटर और 120 मीटर और कितना है 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपए 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो खर्च करा वो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हियर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम 3 मंथ, 3 साल के लिए है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वह कितना किराया पे करेगी। फिर सुनिए, मतलब एक क्या है, ट्रायंगुलर वॉल है, फ्लाईओवर है। ठीक है, फ्लाईओवर के दोनों साइड देखेंगे तो एक ट्रायंगल नुमा साइड ओवन शेप बनता है। ठीक है, और उस जो ट्रायंगल नुमा शेप है उसमें लेंथ ब्रिथ मतलब पूरा ट्रायंगल बनता है, ऊपर गिवन है। ठीक है, और ये पूछे क्या है कि उसके एडवर्टाइजमेंट मतलब जो से जिसने होता है जगह जगह लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट किया गया होता है, तो एडवर्टाइजमेंट में जो है, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, उसमें इनका जो अर्निंग होता है वो कितना होता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में इनको 5000 रुपया पर मीटर हिसाब से क्या करना पड़ता है, अर्न करते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि कितना रुपया जो है क्या करते हैं, अर्न करते हैं। हाउ मच रेंट डिड इट पे, ये कितना रेंट जो है पे करते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रायंगल की एरिया क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि उसकी एरिया के ऊपर ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट का चार्ज है। ठीक है, मतलब 5000 पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का 5000, तो हम लोग इसकी एरिया फाइंड जब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी एरिया कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर स्क्वायर है। क्लियर, लेट लेट ए इक्वल टू 122, बी इक्वल टू 22 एंड सी इक्वल टू 120 मीटर। सी इक्वल 120 मीटर। अब जो यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान टू। ए कितना स्टूडेंट 122, बी कितना है 22 प्लस सी कितना है 120 अपान टू। स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, इसको तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर जो है कितना आएगा, 264 अपान टू हो जाएगा, 264 अपान टू। और 264 अपान टू का मतलब होता है, 264 अपान टू का मतलब होता है 132। मतलब हम लोगों ने सेमी पैरामीटर फाइंड कर लिया, कितना है 132। अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, एस कितना स्टूडेंट, एस कितना आया है, एस जो आया 132 और ये 132 माइनस ए 122, 132 माइनस बी, बी कितना स्टूडेंट 22 और सी जो है 132 माइनस सी 120। स्टूडेंट अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सब सॉल्व करने पर मिला जुला के आ जाएगा इसको 1320 1320।
स्टूडेंट इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वही आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट रेंट चार्ज जो है, रेंट चार्ज कितना होगा उसका, रेंट चार्जेज कौन सा चार्ज होंगे, रेंट चार्जेज, तो रेंट चार्जेस कितना है, 5000 रुपया है पर मीटर स्क्वायर का, 5000, ठीक है। तो रेंट चार्ज कितना है, रुपये 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो रेंट चार्ज, रेंट चार्ज फ्रॉम अ कंपनी फॉर 3 मंथ, क्लियर, 3 मंथ का कितना हो जाएगा, वैसे कितना मिला, 5000, 5000 इंटू एरिया, ये 5000 कितने मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर का ना, 2 मीटर स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितनी एरिया है, 1320 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अभी किस में बदला ये है, ये क्या था, इतना रुपया था, इतना मीटर स्क्वायर, अब पर ईयर की बात हो रही है, किसी बात हो रही है पर ईयर की, ये कितना हो जाएगा, और ये 3 मंथ में पूछे ना, तो कितना हो जाएगा, 3/12, क्लियर। कुछ आंसर जो है आपका इस तरह से मैच करेगा, कितना रुपया, 1650 ट्रिपल, ठीक है, ये आएगा आंसर, ठीक। कहीं अगर थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप लोग उसको जो है सही कर लिया करें, ठीक है, कभी कभी होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, ठीक है, कोशिश करते हैं ना हो, बट अगर हो रहा है तो आप लोग जो है उसको करेक्शन कर लिया करिए। ओके, बाय।